नमस्ते दोस्तों, आज मैं एक अलग तरह की कढ़ी बनाना बताने जा रही हूँ जो चौराई की पकौड़ी की बनाएंगे। पहले हम चौराई ले लेंगे, उसमें 3 से 4 बड़े चम्मच बेसन, चौराई को छोटे छोटे धुल के टुकड़े में काट लेंगे। फिर उसमें जीरा, हल्दी और लहसुन और मिर्ची का पेस्ट डालेंगे, थोड़ा सा, और ज़्यादा और मसाला कोई नहीं डालेंगे क्योंकि बिल्कुल सादा रहेगा, सिंपल। और थोड़ा नमक डाल के इसको हाथ से दबा दबा के, पानी नहीं डालेंगे, हाथ से दबा दबा के अच्छे से बेसन मिलाएंगे। अगर वो मिलेगा नहीं पत्ती में अच्छे से तो हम थोड़ा बेसन और डाल लेते हैं, 2 चम्मच के आसपास, ज़्यादा बेसन नहीं डालेंगे क्योंकि पत्ती में ज़्यादा बेसन हो जाएगा तो अच्छा ही रहेगा। फिर उसको हाथ से बना के देखेंगे, अगर वो अच्छे से सिमट के पकौड़ी जैसे बनने लगेगा तो फिर बेसन नहीं डालेंगे और हम इसकी पकौड़ी बना के तलेंगे, मीडियम आंच में तलेंगे जैसे अंदर बेसन रहे और पत्ती अच्छे से पक जाए पकौड़ी। तेल में डाल डाल के हम उसके सारी पकौड़ियाँ तल लेंगे। ये कढ़ी हम कच्चे आम की बनाएंगे, दही मट्ठी का नहीं बनाएंगे, कच्चे आम से बनाएंगे। इस तरह तल के लाल लाल करके हम सारी पकौड़ी को निकाल लेंगे। आजकल बाजार में खट्टे आम मिल रहे हैं, उसी की हम कढ़ी बनाएंगे। फिर हमने 4 चम्मच के बेसन लिया है और जिसे पानी में डाल के उसको घोल लिया है, उसी बर्तन में घोला है जिसमें मैंने पकौड़ी बनाई है। अगर 4 चम्मच बेसन है तो हम 2 कटोरी पानी डाल के, छोटी कटोरी, इसको पतला सा घोल बना लेंगे। फिर कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लेके, ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा ही तेल, उसे मेथी डालेंगे और फिर जीरा डालेंगे और हींग डालेंगे। फिर इसमें हम छोटे छोटे टुकड़े में लहसुन कटा हुआ डालेंगे। जब लहसुन थोड़ा लाल हो जाए तो उसमें हम थोड़ा सा मतलब मिर्चा डालेंगे, मिर्च, और फिर प्याज डाल देंगे। और इन सबको हम थोड़ा लाल लाल होने तक भून लेंगे। और फिर आम की कैरी डाल के, कैरी क्या है, आम ही है बड़ा, उसको मैंने 4 भागों में काटा हुआ है, बड़ा आम था, खट्टा आम है। और फिर हल्दी डाल देंगे 1 चम्मच के आसपास, छोटा चम्मच, और इसको हल्का सा तेल में भून के फिर हम इसमें 1 गिलास पानी डाल के इसको बलकाएंगे कि वो अच्छे से आम बलक जाए और हल्दी भी पक जाए। जब ये थोड़ा 5 मिनट तक बलकेगा उसके बाद हम वो बेसन का घोल उसमें डाल देंगे, और हम थोड़ा घर पानी कम रहेगा तो पानी थोड़ा और डाल देंगे इसमें, क्योंकि वो पकौड़ी और रहेगी इसकी वजह से वो पानी सोख लेगी पकौड़ी, तो हम थोड़ा पानी डालेंगे और इसको तब तक चलाएंगे जब ये बलकने लगे। जब आप बलकने लगे तो इसको मीडियम आंच कर दें, तेज आंच में बलकाएं और फिर इसको छोड़ दें, नमक डाल दें और ये 5-10 मिनट तक उसको बलकाएं। फिर ये जब ये पक जाए तो इसको इसमें हम वो पकौड़ी डाल देंगे चौराई की, और इसको 1 मिनट से भी कम थोड़ा सा बलकाएंगे, और हमारी ये टेस्टी कढ़ी बनके तैयार, बहुत ही टेस्टी लगती है, खा के देखिएगा।